Good morning, students, and welcome back to our English grammar online class. Students, I'm Vidya Harshanani and I'm your English teacher. As we have completed our English syllabus, so now we are starting with our grammar portions. Today we will learn our 21st chapter from English grammar, that is interjections. Okay, now let's see, students, what are interjections? Interjections are words which express a short sound or a phrase that expresses sudden feelings or emotions of the speaker. Okay, interjections क्या होता है? एक ऐसा छोटा सा word या कोई phrase जो हमारी जो feelings हैं, हमारी feelings जो भी हैं, खुशी की feelings हैं, दुख की feelings हैं, या कोई shock की feelings हैं, या कोई surprise, जो भी हमारी feelings हैं, वो एक word में उसको बयां कर देता है, मतलब उसको एक्सप्रेस कर देता है. ओके, इंटरजेक्शंस आर ऑफन प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस. इंटरजेक्शंस जो है हमेशा सेंटेंस के बिगनिंग में लगाए जाते हैं. इंटरजेक्शंस आर यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. हमेशा जो है एक्सक्लेमेशन मार्क से ही उसको एंड करते हैं हम. ठीक है, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क. हम जो हमारा जो इंटरजेक्शन वर्ड है वो हमेशा इंटरजेक्शन वर्ड को हम एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ ही लिखते हैं. दे एक्सप्रेस सरप्राइज, प्लेजर, पिटी, जॉय और पेन. जैसे मैंने आपको बताया, आपके जो भी एक्सप्रेशंस हैं, आप खुश हैं, आप दुखी हैं, आप सरप्राइज हैं, जो भी है वो सारे एक्सप्रेशंस को जो है वो एक वर्ड में हम बता देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं. ओके, सो लेट्स सी विच आर द इंटरजेक्शंस. सी, फर्स्ट वन इज हुर्रे. हुर्रे हम कब लिखते हैं? एज यू ऑल नो, जब हम कोई मैच वगैरह जीत जाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? हुर्रे, वी वॉन द मैच, ऐसे बोलते हैं ना. तो वो क्या है, हम जब बहुत ज़्यादा खुश हैं तब हम हुर्रे का यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट ब्रेवो और वाओ. ब्रेवो और वाओ मतलब हमारी जो हैप्पीनेस या जॉय, एज यूजुअल, जैसे हम ये भी बोल सकते हैं ब्रावो, वी वॉन द मैच. तो ये भी जो है हमारी खुशी को एक्सप्रेस करने के लिए होता है. ओ डियर. ओ डियर मतलब जब किसी पे तरस आता है ना, ओ के बहुत बुरा हुआ, ऐसे बोलते हैं ना जब हम किसी के साथ, तो उसके लिए हम ओ डियर का यूज़ करते हैं. उप्स. उप्स मीन्स फॉर मिस्टेक. जब हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम कैसे, उप्स मुझसे गलती हो गई, ऐसे बोलते हैं ना. देन शुन्स साइलेंस. जब हम किसी को चुप करने के लिए बोलते हैं ना, चुप हो जाओ, तो कैसे करते हैं, श, डोंट मेक नॉइस, इस तरह बोलते हैं ना. तो श इज यूज टू फॉर एक्सप्रेसिंग साइलेंस. ये मीन्स ऑफकोर्स यस. यस के लिए हम बोलते हैं ये, ऐसे. तो ये है यस का एक्सप्रेशन. नाउ अलास, आउच, ओ आ, ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं ये जब हम किसी को अपना दर्द बताते हैं या कोई हमें पेन होता है, जैसे कि हमें कहीं लग जाती है चोट, तो हम कैसे बोलते हैं, आउच लग गई, ऐसे बोलते हैं ना. तो ये जो है कौन सी एक्सप्रेशन देने के लिए है, पेन वाली या कोई दुख वाली एक्सप्रेशन देने के लिए. वाओ. वाओ मीन्स सरप्राइज. जब हम किसी चीज़ को अचानक से देखते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं, वाओ, ऐसे. तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारी सरप्राइज बताने के लिए, किसी चीज़ के लिए हम सरप्राइज हो जाते हैं तब हम वाओ का यूज़ करते हैं. यूजुअली जो है ये थिंकिंग के लिए यूज़ होता है, कि हाँ ठीक है सोचेंगे, ऐसे करके. ओके, देन ओ. ओ मीन्स वेरी क्यूट. कोई चीज़ हम देख लेते हैं ना, छोटा सा एक पपी देख लेते हैं, बहुत क्यूट होता है, तो ऐसे बोलते हैं ओ कितना क्यूट है, ऐसे बोलते हैं ना. तो ओ इज यूज टू एक्सप्रेस समथिंग क्यूट. यिप्पी. यिप्पी मीन्स किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हमें खुशी हो जाती है ना, कि हम जैसे आपके फादर बोले कि हम कल पिकनिक पे जाएंगे और वो भी उसी जगह पे जो आपकी फेवरेट है, तो हम कैसे बोलते हैं, यिप्पी बहुत मज़ा आएगा. तो वो जो है एक्सप्रेस बहुत ज़्यादा खुशी जो अब हमें होती है ना, उसको बताने के लिए यिप्पी का यूज़ होता है. यहाँ पे स्टूडेंट्स टू वर्ड्स आर नॉट गिवन, टू फ्रेजेस और टू इंटरजेक्शंस आर नॉट गिवन. वो आप आपकी टेक्स्ट बुक में प्लीज़ ऐड कर दीजिए. एक है इक. इक मीन्स छी, वो गंदी वाली फीलिंग आती है, छी कितना गंदा है ये, ऐसे. तो उसके
उसके लिए हम यूज करते एक एंड अदर इज ओ माय गॉड. जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है ना, ओ माय गॉड ऐसे बोलते हैं ना हम, अरे यार क्या हो गया, ओ माय गॉड ऐसे. तो ये दो जो है आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं, बट ये आपकी एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे. सो आप प्लीज़ इनको ऐड कर दीजिए. सामने एक्सप्रेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी आपको आप पढ़ते ही आपका एक्सप्रेशन आ ही जाएगा. ओके, सो आई होप ये जो इंटरजेक्शंस हैं आपको समझ में आ गए होंगे. दे आर वेरी इजी एंड यूजुअली वी यूज टू यूज़ देम इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो. ओके, हम इनको अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं. सो यू आर ऑल फैमिलियर विद दिस वर्ड्स. So I hope you don't have any doubts, but if you have any doubts in any of this, then please ask me in Google Meet, okay? And exercise, I will send you in pictures in WhatsApp group. You just note it down in your textbook. Okay, students? So take care of yourself, okay? Thank you.